नमस्ते, मैं रजत हूँ और आप देख रहे हैं पड़ताल। पहले दावा जान लेते हैं। गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सेना के बीच हुई झड़प में एक कर्नल समेत 20 भारतीय जवान शहीद हो गए। भारत की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि होने के बाद सोशल मीडिया पर दावा किया जाने लगा कि चीन के भी 43 सैनिक मारे गए हैं। दावा वायरल होने लगा। कई मीडिया संस्थानों ने, पत्रकारों ने और नेताओं ने ये ट्वीट में बात कही है। दूरदर्शन के एक ट्वीट में लिखा गया कि मीडिया एजेंसी के मुताबिक 43 चीनी सैनिक मारे गए हैं। हिंदी न्यूज चैनल न्यूज नेशन ने न्यूज एजेंसी ANI के हवाले से दावा किया। लिखा, समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक इस भिड़ंत में चीन की सेना को भारी नुकसान हुआ है और उसके कमांडिंग ऑफिसर समेत 43 जवान मारे गए हैं। न्यूज चैनल इंडिया टीवी ने भी दावा किया कि चीन के 43 सैनिक मारे गए हैं। ABP न्यूज के एंकर अनुराग मुस्कान ने भी कुछ ऐसा ही दावा किया। उन्होंने लिखा, हमारे जवानों ने 20 का बदला 43 से लिया है। विश्व हिंदू परिषद के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख विजय शंकर तिवारी ने भी दावा किया कि गलवान घाटी में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए और चीन के 43 सैनिक मारे गए हैं। केंद्र में जल शक्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने भी दावा किया कि जवाबी कार्रवाई में 43 चीनी सैनिकों को भारतीय सेना ने मार गिराया है। हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने भी ऐसा ही कुछ दावा किया है। उन्होंने लिखा, हमारे बहादुर जवानों ने चीन के 43 जवानों को मार गिराया है। दिलालन टॉप ने इस वायरल दावे की पड़ताल की। हमारी पड़ताल में ये वायरल दावा भ्रामक पाया गया। ये वीडियो पब्लिश होने तक चीन के कितने सैनिक मारे गए हैं इसकी कोई भी आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। न्यूज एजेंसी ANI ने 43 सैनिकों के हताहत होने की खबर सबसे पहले दी थी। न्यूज एजेंसी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि गलवान वैली में हुई झड़प में भारतीय इंटरसेप्ट से पता चला है कि चीनी पक्ष के 43 जवान हताहत हुए हैं, जिनमें मृत और गंभीर रूप से जख्मी यानी दोनों तरह के लोग शामिल हैं। सूत्रों ने ANI को पुष्टि की। यह है ANI का ट्वीट। न्यूज एजेंसी ने यह स्पष्ट नहीं कहा कि चीन के कितने सैनिक मारे गए हैं। उन्होंने जख्मी और मारे गए सैनिकों की कुल संख्या सिर्फ बताई है। ANI लाइव सर्विस के संपादक ईशान प्रकाश ने भी ANI के इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा कि चीनी पक्ष के घायल या मृतों की संख्या की पहली पुष्टि, यानी उन्होंने भी घायल या मृत शब्द इस्तेमाल किया है। चीन की ओर से इस पूरी झड़प पर उनका क्या नुकसान हुआ है, उनके कितने लोग हताहत हुए हैं, कोई भी जानकारी अब तक आधिकारिक तौर पर नहीं आई है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अंग्रेजी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के चीफ एडिटर हू शिजिन ने कहा, चीनी पक्ष ने भारतीय सैनिकों के साथ हुई झड़प में पीपल लिबरेशन आर्मी के हताहतों की संख्या जारी नहीं की है। मेरी समझ में चीनी पक्ष नहीं चाहता कि दोनों देशों के लोग हुई क्षति की तुलना करें और इस तरह लोगों का मूड भड़काने से परहेज किया जाए। ये बीजिंग की ओर से सद्भावना है। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने चीनी सेना के गलवान वैली में हताहत होने की बात कबूली है, हालांकि कोई संख्या फिर भी जारी नहीं की। न्यूज 18 की रक्षा वीट कवर करने वाली श्रेया ढोंडियाल ने एक ट्वीट में जानकारी दी है कि भारत ने चीन के 46 स्ट्रेचर गिने हैं। मतलब ये कि 46 ऐसे चीनी सैनिक होंगे जो चलकर कैंप तक नहीं पहुंच पाए। अब इनमें से कितने मारे गए और कितने घायल हैं ये अभी साफ नहीं हुआ है। इंडिया टुडे के पत्रकार शिव अरूर ने भी यही ऐसी ही जानकारी एक ट्वीट के जरिए दी है। उन्होंने कहा, चीन ने झड़प में मारे गए सैनिकों का कोई आंकड़ा नहीं दिया है। अब तक लीक हुई खबरें या फिर सूत्रों के आधारित बातें ही चल रही हैं। तो कुल मिलाकर नतीजा क्या रहा? नतीजा ये रहा कि न्यूज एजेंसी ANI ने कभी ये बात नहीं कही कि चीन के 43 सैनिक मारे गए हैं। उन्होंने हताहतों की यानी जो कैजुअल्टी हुई है उसकी कुल संख्या 43 बताई है, यानी घायलों की और मृतों की कुल संख्या 43 बताई है। 43 मरने की बात ANI ने नहीं कही। दूसरी ओर ना चीन की ओर से ना ही भारत की ओर से चीनी पक्ष को हुए नुकसान का कोई भी आंकड़ा आधिकारिक तौर पर नहीं दिया गया है। जो भी जानकारी होगी इस मामले में हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए पड़ताल। अगर आप तक भी कोई ऐसी जानकारी पहुंचे जिस पर आपको शक हो, संदेह हो, तो आप उसे हमारे तक भेज सकते हैं। हमारा पता है padtalmail@gmail.com। हम उस दावे की पड़ताल करेंगे और आप तक सच्चाई पहुंचाएंगे।
देखते रहिए, पढ़ते रहिए दी ललन टॉप.com। बहुत बहुत शुक्रिया।